वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी ने बड़ी कृपा रहमत दया की है कि खालसे दे प्रगट स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बरोसाही हुई धरती श्री आनंदपुर साहिब तो आने का सुभाग समा प्राप्त होया। अज मैनू कहण की लोड़ नहीं कि ये तीन कानून ने जेड़े ये गलत ने, क्योंकि ये संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ दसदा है कि ये कानून गलत ने, सरकार नूं इन्हां नूं वापस लेना चाहिदा है। सतगुरु जी दे बचन हन, कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, कि अगर सरकार अज साडे नाल जोर जबरदस्ती करदी है जिथे इत्थे उहनूं लेखा देना पैंदा उत्थे उस दरगाह विच वी जाके उसनूं लेखा देना पवेगा, क्योंकि ये संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ ये दस रहा है कि कल जो लंघिया है श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का समा, उन्होंने सानू उदों भी जित प्राप्त कराई ते अज भी सानू जित प्राप्त कराउणगे, धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी। सो सरबत संगतां नूं किसान जथेबंदियां नूं यही बेनती करदा हाथ जोड़ के कि आपसी प्यार इतफाक दे नाल चढ़दी कलिया दे नाल यह मोर्चा फतेह करना है, और हर रोज़ हर कोई प्राणी एक पाठ जप जी साहब का जरूर हाजरी लवाया करो, ता जो कि जे साढ़े अंदर बाणी है बाणा है तो साड़ी अज भी कल भी फतेह सी ते अज भी फतेह है। इस करके भाई बाणी बाणे नाल जुड़ो, सतगुरु जी कृपा करन आपां नूं इस मोर्चे विच चढ़दी कला नाल फतेह बख्शिश करन। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान भुल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।